नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज NCR का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। फरीदाबाद की YMCA JC बोस यूनिवर्सिटी में आज राष्ट्रीय गणित दिवस पर हुआ प्रतियोगिताओं का आयोजन। फरीदाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बीते एक दिन में पकड़े 5 आरोपी। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने कहा, यातायात पुलिस दे रही है सख्त ड्यूटी, इसलिए मुहैया करवाई जाएंगी उन्हें महत्वपूर्ण वस्तुएं। मेवात करनाल खानपुर की तरह फरीदाबाद को भी मिलेगा नया सरकारी कॉलेज। अब रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं नए डीप फ्रीजर। प्रधानमंत्री मोदी 24 दिसंबर को विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित। यमुना एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलस कर मरे। किसानों ने कहा, समय बर्बाद कर रही है सरकार, प्रस्तावों पर होनी चाहिए बैठक। अब रुख करते हैं मनोरंजन जगत की ओर। कोरोना पॉजिटिव हुई एक्टर रकुल प्रीत, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। नाइट क्लब रेड में सुजैन खान, गुरु रंधावा और सुरेश रैना हुए गिरफ्तार। कोविड-19 के नियमों का कर रहे थे उल्लंघन, जमानत पर हुए रिहा। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली एक्टर ने किया ट्वीट, क्या मेरे मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। रहाणे को कप्तानी सौंप कर पेटर्निटी लीव पर गए विराट कोहली, टीम को दिया संदेश, खुद पर रखें भरोसा और अच्छा प्रदर्शन करें। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। लंदन दिल्ली फ्लाइट में 5 कोरोना पॉजिटिव, सभी संक्रमित केयर सेंटर पहुंचा दिए गए। कनाडा में मृत पाई गई पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाली बलोच लीडर करीमा बलोच, हत्या की आशंका। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें न्यूज NCR।